अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आज की वीडियो आपसे शेयर करूँगी बहुत ही यूनिक सा मेकअप लुक जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। ये निकी ट्यूटोरियल्स, आप लोग जानते हो कि मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट किया था। उसके बाद से ये जो लुक वायरल हुआ है, तो सब एक टू जेड मेकअप आर्टिस्ट है ना, जो भी वो सारे ये लुक ज़रूर करें, तो मैंने भी आप लोग साथ शेयर कर दिया। तो जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह की टेप लेनी है, कोई भी ब्लैक टेप, ट्रांसपेरेंट टेप या इस तरह की टेप लेके आप आईब्रोज से लेके इस तरह से लगानी है और नोज़ पे इस तरह से लगा देनी है, ठीक है। बाकी बाद में आपने कोई फाउंडेशन ले लेना है और उसको अच्छे से ब्लेंडर के साथ अप्लाई कर देना है, बेहतर होगा। अब अगर आपके पास वाइट कंसीलर है तो आप वो लगाएं, क्योंकि उसके ऊपर जो भी आप कलर अप्लाई करोगे तो वो इनहेंस होके नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, मैंने ब्लू कलर का शेड लिया है, उसको मैं इस तरह से सबसे पहले डार्क ब्लू कलर का शेड लगा दूँगी। इसमें तो मैंने डार्क ब्लू की थीम रखी थी, डार्क से लाइट तक लेके जा रही जाऊँगी मैं। तो यहाँ पर मैं दोनों साइडों पे ना साथ साथ लगा रही हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा उससे लाइटर मैंने ब्लू लिया है और उसको मैं इस तरह से लगा दूँगी। दोनों साइडों पे आपने एक साथ करना है मेकअप, ताकि आपको आइडिया रह जाए कि कितना शेड मैंने दोनों साइड पर कितना कितना लगाना है, ठीक है। और उससे लाइटर ले कर मैंने इस तरह से लगा दिया है, और जो नोज़ वाला एरिया है उधर मैंने पर्पल कलर का शेड अप्लाई कर दिया है, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे ये वाले शेड लिए हैं, आप कलरफुल भी ले सकते हैं, आप पिंक, पर्पल, ब्लैक, जो भी आप करना चाहो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इस तरह का मोमेंट मेकअप तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिएटिव मेकअप लोग कभी कभी करने का दिल चला जाता है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने स्लिस ब्यूटी का शिमर लगाया था, और यहाँ पे जो ग्लिटर है वो भी स्लिस ब्यूटी के मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त इनके प्रोडक्ट हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, ऊपर आ रहा है मेरा ग्लो विद जन्नत, वहाँ पे मुझे जो भी आप मैसेज करोगे, जो भी लुक क्रिएट करने का कहोगे, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और अगर आप कोई मेकअप लुक भी क्रिएट करवाना चाहते हैं, उसकी पिक्चर भी आप मुझे सेंड कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी मेकअप लुक करके दिखा दूँगी कि किस तरह से वो मेकअप लुक किया जाता है। तो यहाँ पे मैं जो टेप लगाई थी वो मैं रिमूव कर रही हूँ आप लोगों के सामने। रिमूव करने के बाद आप देख सकते हो कितना नीट लग रहा है, और दोनों साइडों से मैं इस तरह से टेप रिमूव कर दूँगी। और जी, टेप रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो मैं स्टार्स बना रही हूँ, ये मैं वाइट जेल लाइनर के साथ बना रही हूँ, ये भी स्लिस ब्यूटी का मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप कोई भी ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, कलरफुल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे वाइट यूज़ किया। तो इस तरह से मैं यहाँ पे स्टार्स बना दिए हैं पूरी, जहाँ पे मैंने वो लगाए थे, और बाकी स्टोन्स जो है ना मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। अभी ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हो, क्रिएटिव लुक ज़्यादा अच्छा सा करना चाहते हो, तो इस तरह से आप ये जो है ना स्टोन लगा लो। यहाँ पे जो स्लिस ब्यूटी का ब्लश ऑन है वो मैं अप्लाई कर लूँगी, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत और मुझे बहुत पसंद है इनका ये ब्लश ऑन, पाउडर फॉर्म में है, जो कि बहुत थोड़ा सा लगाओ और इतना अच्छा लग जाता है, पैच भी नहीं बनते, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसके लिप्स पे थोड़ी बहुत लिपस्टिक अप्लाई कर दी थी, लिपस्टिक भी नहीं की थी, पहले के पैलेट में से मैंने शेड लिया था और उसको लिप्स पर अप्लाई कर दिया था। ये था मेरा फाइनल लुक, होप सबको अच्छा लगा होगा। तो जी, ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।